आज मैं आपको हरा धनिया स्टोर करना बताऊंगी। एक या दो हफ्तों के लिए नहीं, आप एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक महीने के बाद भी देखेंगे आपका हरा धनिया बिल्कुल ताजी ताजी है। हम जब भी मार्केट से हरी हरी धनिया खरीद कर लाते हैं और दो से चार दिनों में ही ये खराब हो जाती है, और जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तब तक ये खराब हो चुकी रहती है, और फिर हमें बिना हरा धनिया के ही काम चलाना पड़ता है। मेरे साथ भी पहले यही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। जब भी आप मार्केट से हरा धनिया खरीदें तो एकदम फ्रेश और हरी हरी खरीदें। के बाद हरा धनिया को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसमें जो गले हुए और पीले पत्ते रहेंगे उसे हम अच्छी तरह से चुन चुन कर निकाल लेंगे। इसमें एक भी खराब पत्ते नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक खराब पत्ते दूसरों को भी खराब कर देंगे। देखिए, मैंने हरा धनिया को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन इससे पहले इन खराब पत्तियों को हटा लेंगे। आज हम ना तो हरा धनिया को काटेंगे और ना ही ड्राई करेंगे और ना ही किसी पेपर में लपेटकर स्टोर करेंगे। आज की हरा धनिया को स्टोर करने का आइडिया आपको बहुत पसंद आएगी और मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले धनिया के पत्तों को अच्छी तरह से धो लेंगे। हरा धनिया को मैंने एक बर्तन में रख दिया है। अब इसमें एक मग पानी डाल देंगे। आप हरा धनिया को नल के नीचे भी धो सकते हैं या किसी भी बर्तन में पानी डालकर धो सकते हैं। सभी पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और जड़ों को भी अच्छे से साफ करेंगे। इनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इन्हें अच्छे से धो लेंगे ताकि जब हम इसे इस्तेमाल करें तब इसे धोने की जरूरत ना हो। अब हम इसे पानी से निकालकर एक टोकरी में रख देंगे या कोई भी जालीदार बर्तन में रख दें ताकि इन पत्तों से एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए। इन्हें हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से टोकरी में छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए पानी इससे अलग हो गई है, लेकिन पानी पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, इसलिए सभी पत्तों को हाथ में उठाकर अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें अभी भी पानी बाकी है, इसे बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे की प्रोसेस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस हरा धनिया के पत्तों को देखिए, इसे मैंने एक महीना पहले स्टोर किया था। इनमें से देखिए कुछ नए नए पत्ते भी निकल आए हैं। ये पत्ते ग्रो करने लगे हैं और कुछ पत्ते हल्के पीले कलर के हो गए हैं। लेकिन एक महीने के बाद भी देखिए ये हरा धनिया कैसी लग रही है। तो आपकी भी हरा धनिया बिल्कुल ताजी रहेगी। चलिए अभी इसे साइड में रखकर अगली प्रोसेस में चलते हैं। ये मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। ये मिठाई वाली कंटेनर है। ये ज्यादा मोटी नहीं होती है और ना ही ज्यादा पतली। इसमें रसगुल्ला या गुलाब जामुन हम घर लेकर आते हैं और मिठाइयाँ तो खा लेते हैं और कंटेनर को फेंक देते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कंटेनर आपके पास हो तो उसे वेस्ट ना करें। ये बहुत ही काम की चीज है, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, कभी ना कभी काम आ ही जाती है। आज इसी कंटेनर में हम हरा धनिया को स्टोर करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको हरा धनिया को स्टोर कैसे करेंगे। देखिए, हरा धनिया के जड़ को मैंने नहीं हटाया है। जड़ की वजह से ही हरा धनिया हरा रहेगी, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धनिया के पत्ते ग्रो भी करेंगे। और ध्यान रहे, पत्ते पूरी तरह से ड्राई नहीं होनी चाहिए। अब इस कंटेनर में जड़ को नीचे करके सभी पत्तों को डाल देंगे। ध्यान रहे, पत्तों का जड़ नीचे होनी चाहिए। अब ऊपर के पत्तों को मोड़कर इसमें ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, बस इतना ही तो करना है। अब इनकी जड़ नीचे की ओर है तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी पानी आती रहेगी। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, इसे हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज की ठंडक से इसमें खुद ब खुद मॉइस्चर बनने लगेगी और जड़ों को पानी भी मिलने लगेगी। और जब तक आपका हरा धनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ये फ्रेश बनी रहेगी। इस ट्रिक को आप भी जरूर ट्राई करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।